ये तो पूरा पानी के अंदर डूबो रहे हैं। लेके ही जाओ। हे मिला। हम लोग को 10 मिनट पहले निकलना चाहिए था, अभी शायद गीला होना पड़ेगा। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपना कैंपिंग लोकेशन तक। जगह नहीं मिला, ऊपर सो गया जाके। देखो ये देखिए गाइस, बढ़िया पूरा लचीला हुआ है। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट ले लो, 2-4 मिनट का पानी वानी पी लो। अभी सुकून मिल रहा है, पानी ठंडा है ना। विकास पानी ये है एक जबरदस्त कैंपिंग वीडियो जिसका हम लोग का बेसब्री से इंतजार था, बहुत दिन से सोच रहे थे बनाएंगे। बैठ जाओ भाई। अरे रुको, देखना बढ़िया जगह, उसको देखना है किधर बैठना है। तो आप लोग तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई विकास भी है हमारे साथ और अभी से शुरू हो गया उसका डैश अप्पा। तो हम लोग करीब 1 घंटा से चल रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट लेंगे, पानी वानी पियेंगे, फिर आगे चलेंगे। और आज का जो वीडियो होने वाला है, हम लोग पूरा 3 दिन वहाँ पे रुकने वाले। बहुत जन रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई 3-4 दिन का कैंपिंग करो, ग्रुप कैंपिंग करो। बस आ गए भाई, नदी है, फिशिंग रॉड है, नेट है, बहुत सारा फिशिंग है। 3 दिन कंटिन्यूसली फिशिंग होगा, सिर्फ फिशिंग होने वाला है, उसके साथ बहुत मस्ती होगा, जंगल एक्सप्लोर करेंगे, बहुत नहाएंगे, क्योंकि भाई गर्मी बहुत तेज है, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा। ये वाला प्लान हम लोग करीब 2 महीने से बन रहा है और कैंसिल हो रहा है। फाइनली इस बार हम लोग आ गए बढ़िया ग्रुप के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, क्या क्या होगा क्या नहीं सारा धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ से हम लोग जहाँ तक लोकेशन में पहुँच रहे हो, लोकेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप लोग को बता दूँ, हम इस बार एक भी टेंट नहीं लाए, 8-7 जन आए हैं पर एक भी टेंट नहीं है। बिना टेंट का वहाँ पे रुकने वाले, कैसे क्या नहीं सब पता चलेगा भाई, ज़बरदस्त जगह है। तो वहाँ तक पहुँचने में अभी भी शायद 2 घंटा लग जाएगा इतना गर्मी में। तो ऐसे ही रेस्ट लेते हुए चलेंगे और पहला जो ये पार्ट जो रहेगा, एक काइंड ऑफ ब्लॉक टाइप का रहेगा, काइंड ऑफ एटलीस्ट पहुँचने तक तो ही। उसके बाद भाई ये इसका 3 वीडियो बनने वाला है, पूरा हफ्ते में आप लोग एंजॉय कीजिएगा 3 वीडियो, मज़ा आएगा। चलो सब पानी पी लो। ये पानी जो है पूरा प्योरेस्ट फॉर्म है, इस नदी का पानी जबरदस्त लगता है। स्टार्टिंग को जिया टिपचू एक पूरा भीग गया। और भीगोगे ये तो सवाल है, अभी तो मूड नहीं है भीगने का भाई, नहाने का है मूड। भीगना तो पड़ेगा। चलिए तुम जाओ, मैं आता हूँ। चलिए कितना गर्मी है यार, हरा पीरा लाल नीला क्या दिख रहा है विकास? आज सब कुछ सफेद दिख रहा है। चलो चलो आगे चलो, जगह है नीला दिखने का। इसके आगे से ज़्यादा पहाड़ी नहीं है, थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लो।
एक काम करते हैं, सबको अभी थोड़ा ORS पिला देते हैं, ठीक है? बिल्कुल लाए है भाई, सेफ्टी पहले, सेफ्टी पहले, क्योंकि जितना गर्मी है यहाँ पे करीब 42-43 डिग्री सेल्सियस, और इतना गर्मी में इतना सामान लेके ट्रेक करना मतलब बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं लेके आया हूँ घर से क्या बोलते हैं ORS। तो अभी सबको पिलाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, 10 मिनट यहाँ पे रेस्ट लेते हैं। हड़बड़ी करके कोई फ़ायदा नहीं, तबीयत ख़राब होगा तो फिर पूरा कैंपिंग बर्बाद हो जाएगा। ये वैसा मिला रहे हैं इसमें। इनको जा कहाँ कर रहे हो, डालो डालो डालो, मिला बस। आर्मी वाले को, आर्मी वाले को, आर्मी वाला क्या हो गया? क्या हुआ ब्रो, हरियत बस इसका भी हो गया बस पानी। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इंडिया का सबसे बेस्ट बेटिंग वेबसाइट के बारे में, जिसका नाम है सैडबेट। सैडबेट में आप लोग क्रिकेट, सॉकर, तीन पत्ती, रूलेट जैसे और भी 5000 से ज्यादा कैसीनो गेम प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आपको विथड्रॉल सिर्फ 10 मिनट में मिल जाएगा, और फर्स्ट डिपॉजिट करने पे आप लोगों को 10,000 तक अमेजिंग बोनस भी मिल सकता है। और सबसे बढ़िया बात है, सैडबेट में डिपॉजिट करने के लिए आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, बैंक ट्रांसफ़र, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। देर किस बात की, जल्दी से सैडबेट पे जाके आईडी बनाओ और घर बैठे पैसे कमाओ। आईडी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को ओपन कीजिए और जल्दी से साइन अप कर लीजिए। हम बहुत जल्दी पहुंच गए इस बार, नदी में पानी नहीं था इसलिए, और पानी में नदी नहीं था इसलिए बहुत जल्दी पहुंच गए। वो रहा सूटकेस, देखो वो रहा सामने, वो ये? हाँ, उस पत्थर के नीचे। मस्त जगह है ना, इतना भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, भूल गए क्या, नए आए हो? तो दिख गया सूटकेस। आप कैसे लगा? अच्छा लग रहा है मुझे, ये फर्स्ट है मेरा। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपना कैंपिंग लोकेशन तक। चलो पहुंचे नहीं कि विकास जल्दी से अपना सोने का बंदोबस्त नहीं। और गाइस ये देखिए कितना जबरदस्त हवा हो रहा है, और इसी चीज के लिए यहाँ पे गर्मी का ना बिल्कुल असर नहीं होता है। ओ गाइस सॉरी, सबको नंगा पुंगा दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल हालत ऐसा ही है क्योंकि इतना गर्मी के कारण सबका हाल बेहाल हो चुका है, आगे बैठे हैं और भाई हवा इतना जबरदस्त हो रहा है। तो यहाँ पे ना गाइज हमेशा ऐसे ही हवा चलते रहते हैं, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, जो भी हो, मस्त जगह है। और इसी जगह पे हम लोग बिताने वाले अपना अगला 3 दिन, मजा आएगा। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, थोड़ा पानी वानी पीते हैं, रेस्ट लेते हैं, उसके बाद जाकर आगे क्या करेंगे क्या नहीं सब कुछ आपको बताते हैं, ठीक है? टेंट तो लाए ही नहीं हम लोग। सो गाइज हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे रेस्ट ले लिए और यहाँ पे थोड़ा बहुत कार्ड्स भी खेल रहे थे 10-15-20 मिनट के आसपास, तो पूरा बढ़िया से रिलैक्स हो गया। अभी इस जगह को क्या करते हैं ना, थोड़ा रहने लायक बनाते हैं। थोड़ी देर पहले गया है विकास और भोला, वो दो जन गया है एक झाड़ू बनाने के लिए ताकि इस एरिया को पूरा बढ़िया से क्लीन कर सके। और वहाँ पे टिंकू और लाला जो है
हमारा जो किचन को रेडी कर रहा है, ये जो रहेगा हमारा किचन का शेल, और किचन तो बनेगा वहाँ पे जो चूल्हा बनने वाला है, तो अब हमारा जो तो हमारा जो सेल्फ है वो रेडी कर रहा है। और ये जो है मेरा भाई शिवम, नहीं नहीं मैं तो सुनू, क्या हो गया, और सुनू क्या कर रहा है, सारा बैग को एक साइड कर रहा है। हमारा जो बेड है यहाँ पे बनाने वाला हूँ मैं और सुनू मिल के, ठीक है। तो चलो सब अब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम भी लग पड़ते काम के लिए। एक सच बताऊ, अभी से ना बहुत ही रिलैक्सिंग फील आता है, मतलब ये वाला कैंपिंग में बहुत ही रिलैक्स होने वाला है, मस्ती होने वाला है, मजा होने वाला है कि नहीं? बहुत ही मजा, बहुत ही, मतलब एक दिन दिन इतना गर्मी में जो मैं बनाने गया था, एक ये सोलो कैंपिंग बनाने गया था, सोलो बुश क्राफ्ट, सच बताओ उसमें ना फटके हाथ में आ गए थे, और अभी मजे। चलो टिंकू तो जो है ना उसको खोल के रख, वरना पूरा सड़ जाएगा सारा। ये झाड़ू हमारा 3 दिन तक बढ़िया चल जाएगा, नहीं इसका झाड़ू बेस्ट है गाइस, कमेंट सेक्शन में बताओ। ये वाला ज्यादा है, हाँ हाँ हाँ, विकास के विकास की और विकास करो। विकास भाई हमारा भोला भाई ने झाड़ू बना के झाड़ू चालू भी कर शुरू भी कर दिया। रोहित शेट्टी, रोहित शेट्टी दोनों ने मिलकर बनाया। अच्छा हेलो, अरे लोग क्या है, क्या लोग क्या रहा है, उसमें अभी पानी है, बहुत सारा है, 2 दिन तक हमारा रोहित छट्टी भाई ने भर के कहा कर दो थोड़ा, मैं भी आ जाऊँ, मैं भी आ जाऊँ, मजा आ रहा है टिंकू थोड़ा, अरे भाई यहाँ पे मजा आ रहा है। हेलो, ये मर जाएगा बे, मस्ती अलग से। अभी गाइस अभी एक काम, बहुत जरूरी काम बाकी है, जो रात का हमारा आज खाना बनने वाला है बहुत ही बढ़िया सा, उसके लिए एक प्रिपरेशन करना जरूरी है, जो प्रिपरेशन आप लोग मेरा बुशक्राफ्ट वीडियो में देखे थे, ठीक है, नहीं देखे हो बुशक्राफ्ट वीडियो तो मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, देख लो, उसमें जो मिस्टेक किया था ना सेम मिस्टेक आज किया हूँ, वो ये है कि रात को ब्रेड बनाने वाला हूँ, उसके लिए ईस्ट खरीद के घर पे रख के आ गया यहाँ पे, हैशटैग गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ना एक चीज छूटना ही था, बस ईस्ट ही रह गया, वही रहना था, वही रहना था। तो चलो इम्प्रोवाइज आज फिर से करते हैं, दही से ट्राई करते, उस टाइम तो ज्यादा टाइम मिला नहीं था, अभी गर्मी है अच्छा खासा, बहुत टाइम मिलेगा, होप सो फूल जाए, ठीक है। चलो सामान लेके आओ, अभी डो बना के रख देते हैं और होप करते फूल जाएगा। इसको थोड़ा धो के लाना पड़ेगा। अरे वो जो खेलने आते वही खेलना, हाँ वो उल्टा सीधा आदमी उससे से नहीं होगा, क्या होता फिर तो विकास को घुसना नहीं चाहिए, वही तो। क्या मेरे को नहीं खेलने आता है क्या? नहीं नहीं, सार विकास कुछ सुना है तो ये फेंक के मारूंगा सारा, तेरे गोटिया तेरे आंख में आ जाए,
इसमें थोड़ा नमक और चीनी, चीनी थोड़ा ज्यादा अमाउंट डालते हैं क्योंकि पता है ब्रेड तो बनेगा नहीं, कुछ और ही बनने वाला है। अब इसमें दही डालेगा तो उसके बाद बोलो क्या होना चाहिए, मिक्स होगा। अरे नहीं मिला तो मुझे पता ही है कि मिक्स उसके बाद एक्चुअली बनाना क्या है पता नहीं, तो मुझे भी नहीं पता क्या बनाना है। प्लान है ब्रेड बनाने का, लेकिन अभी लग रहा है मतलब क्या है एडजस्टेबल नान बनाना पड़ेगा, है ना, नान वही बनेगा फाइनली। कुछ भी बना सिर्फ खाना है बस, नान नान बनाएंगे, इंडियन नान। ठीक है तुम्हारा इष्ट तो कर ना। कौन सा ये? अरे थोड़ा वेजिटेबल वाला ला तो। अब नहीं होगा क्या? अब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे बैठने में दिक्कत हो रहा है भैया, सो जाए फिर। नहीं नहीं वहाँ बैठते तो अच्छा होता। नहीं नहीं चला जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। जगह नहीं मिला, ऊपर सो गया जाके। चिकन चाउ चाउ, चिकन चाउ चाउ। तो चलो रात का डिनर के लिए चिकन भी मैरिनेट करना पड़ेगा, वो अभी से मैरिनेट करके रख देते हैं क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। पर मजा तो इन लोग का है भाई। अरे तुम और ये दोनों यहाँ पे जो मछली पकड़ने के लिए मतलब लंबा लाइन जो है उसमें पूरा बीच बीच इंटरवल में हुक लगा हुआ है, उसके अंदर जो थोड़ा मीट जो चिकन जो भी है उसमें मछली फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखते भाई 3 दिन तो है, कब ना कब तो मछली फंसेगा। जोकार जोकार जिसे गाइस कहते हैं बिल्कुल क्या हुआ विकास, तुम अपना नाम खुद बार बार ले रहे हो। कपूर क्या बात, कपूर कपूर 3 4 5 ये रहा थाइम रोहित शेट्टी कोई फोर कार्ड फोर कार्ड सेकंड लाइन। अबे तुम लोग नॉर्मल खेलो ना। नहीं इनको समझ में नहीं आ रहा ना, नहीं खेलना आता इनको। यहाँ पर आइडिया है ना, जियो है। नहीं गाइस ये गलत बात है यार, सोचो 7-7 बंदे आए हैं और मैं अकेला बैठ के मैरिनेट कर रहा हूँ। मैं और तुषार काम कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ। हम यहाँ आए हैं मस्ती के लिए। अभी क्या कर रहे बाबा? यस यस ये रहा क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर और उसके साथ ये थोड़ा सिचुआन पेपरकॉर्न, फाइनली थोड़ा दही डाल दो। लाला बोलथिन ला वो वाला जो पड़ा हुआ है। पकड़ इसको तुम। और गाइस एक चीज याद रखो हमेशा, कहीं पे भी जा रहे हो पिकनिक हो या फिर जंगल में से कैंपिंग वगैरह, अपना कचरा अपने साथ रखो। मैं सारा मतलब हर वीडियो में बताता नहीं हूँ लेकिन हमारा मतलब एंड में जब वीडियो ख़त्म होता है सारा कचरा इकट्ठा करके एक साथ अपने घर लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके डस्टबिन में डिस्पोज कर देते हैं ना। तो जंगल में कहीं पे भी ना भाई कचरा मत करो, हो सके तो आसपास का किसी और का कचरा भी थोड़ा उठा लो, समझे। अब लास्टली आप लोगों को तो पता ही है मेरा फेवरेट सरसों का तेल। सरसों का तेल कैसा था? ओ भाई, वो तो ओरिजिनल था पूरा। चलो अभी जो मैरिनेशन तो कंप्लीट हो चुका है, अभी उसको यहाँ पे रख के हम सब जा रहे हैं मछली पकड़ने। मैं भाई ये जो रॉड कास्ट करने वाला हूँ, अभी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है क्योंकि आप लोगों तो बहुत जन को नहीं पता
कि मैं इस फिशिंग रॉड से बहुत बड़ा सा एक मछली पकड़ा था, कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। मैं यहाँ पे अभी फोटो भी दे रहा हूँ, देखिए एक फोटो खींचा हुआ था, उसका वीडियो नहीं बना था। हाँ वीडियो बना है, वीडियो बना है, अगर वो वाला वीडियो देखना है इस ब्लॉग तो मेरा जो भाई है मेरे ब्लॉग में आके देख सकते हो गाइस। तो ब्लॉग का जो नाम है ना तो दी शिवम ब्लॉग से, तो भैया लिंक दे देंगे ठीक है, तो वहां से जाके आप सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो भी वॉच कर लेना। बिल्कुल, मैं डिस्क्रिप्शन में भाई का चैनल का लिंक दे रहा हूँ। अनफॉर्चुनेट उस दिन मैं वीडियो नहीं बनाया था, ये बनाया वीडियो, तो उस वीडियो में हमारा जो फिशिंग का देख लीजिएगा, ये जो ये वाला फिश मैं पकड़ा हूँ ठीक है ना, ये जो ऊपर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कहाँ ये जो मछली पकड़ा हूँ, कैसे क्या नहीं जाके देखिएगा। तो इसलिए उसके बाद से कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया है कि मछली मिलेगा तुमको, आना पड़ेगा मेरा मेंढक बिठा दो ना, सबको आना पड़ेगा। ये इसका मेंढक है गाइस, और ये मेंढक का मालिक, चलो। मैं तो जा रहा हूँ ऊपर की तरफ कास्टिंग करने के लिए, और ये दोनों यहाँ पे अभी जो हुक है वो डालने वाले हैं। कोई होगा जंगली जानवर का, जंगली जानवर देखिए, जंगली जानवर का कुछ भालू वालू कुछ खाता होगा ना, वहाँ पे कुछ पॉटी भी दिखा था, यहाँ पे भेड़ बकरी का तो नहीं होगा ठीक है, होगा तो कुछ आप लोग समझ गए होगा, थक गया बहुत। तो यहाँ पे डाल रहे क्या चारा, ठीक है। बारिश शुरू हो चुका है, यहाँ पे अब तक नहीं आया, वहाँ पे जो धुंधला धुंधला दिख रहा है वो बारिश है, शुरू हो गया बारिश। ये क्या करे, रिटर्न चलते चले, टाइम भी बहुत हो गया। गाइस यहाँ पे भी पूरा बारिश आ गया, हम लोग और 10 मिनट पहले निकलना चाहिए था, अभी शायद गीला होना पड़ेगा, लेकिन गीला होना चाहता नहीं हूँ। पूरा बारिश देखिए भाई साहब, गाइस देखिए ये लोग का नहाना अब तक नहीं हुआ, तब से मतलब करीब 1.5 घंटा हो गया नहा रहे हैं ये लोग। चलो हम लोग भी नहा लेते हैं, बारिश पता नहीं कहाँ गायब हो गया, अभी नहाने का बारी है। करो डालो। देखिए हम लोग लाए थे कोल्ड ड्रिंक्स, जो कि अभी बन चुका है हॉट ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स के साथ थोड़ा ये क्या कुरकुरे चिप्स वगैरह।
तो भाई चलो शुरू करो। चीज़। 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 और ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स है ना, और कुछ नहीं। हॉट ड्रिंक्स पता है नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ आएगा। ऐसा मत सोचो कैंपिंग में वो सब चीज़ करना सही नहीं है। बच्चे बच्चे सब है यहाँ पे, बच्चे मतलब बालक हो गए हैं सारे, दिल के सच्चे मन के बाहर। सुकून मिल रहा है अभी, बहुत तेज भूख लगा था। गरम हो गया है लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। जब भूख लगता है ना तब सब कुछ सही लगता है, कुछ भी मजा आता है। काम बाकी है जो कि हम लोग को पहले से कर लेना चाहिए था और हम लोग नहीं किए आलसी की वजह से आराम से आलस की वजह से हम लोग वहां पे बैठे थे, बातें कर रहे थे। जब गर्मी लग रहा था फिर यहां पे आके बैठ गए। तो चलो अभी जो दो काम है, एक काम है कि हम लोग को चूल्हा बनाने, क्योंकि आज का जो डिनर है थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनने वाला है। एक बढ़िया सा जंगल का इस्तेमाल करेंगे, मतलब पत्थर का इस्तेमाल करके खाना बनाएंगे, तो वो चीज लाना है, लकड़ी इकट्ठा करना है और उसके बाद बाकी सब कुछ तो रेडी है ही। ये तो कुछ लकड़ियां हमें यहीं पे मिल गया है, क्योंकि विकास ने ढूंढ के निकाला है। चलो शाबाश, वो वाला निकाल दो। जैसे सबसे शक्तिशाली तो विकास है, वही निकाल रहा है पत्थर को। दोनों जाके निकल 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 नहीं निकलेगा, निकल जाएगा भाई, हिल रहा है पत्थर। चल दोनों एक साथ, रेडी 2 3 जोर लगा के। नहीं नहीं हो जाएगा भाई, हो जाएगा, नहीं होगा रे, जोर लगा के काम कर। जल्दी लकड़ी भी कुछ है। नहीं नहीं एक काम करो, पत्थर से पहले तोड़ दो उसको, आओ ना ऊपर देख के आते फिर देखेंगे इसको। मैंने रख के गया था भाई। अब भाई शाम कब रख के गए थे तुम? तो गाइस हमें शाम को लकड़ी अभी मिल चुका है। हम तो आए थे वो जिसमें बनाने वाले उसको ढूंढने आया था पत्थर, एक पर हमें लकड़ियाँ भी मिल चुका है भाई। देखो फिर से बोल रहा है मिल चुका है। अरे पीछे किसका लाइट जल रहा है? ओ हमारा कैंप है वो पीछे, वो रहा हमारा कैंप। तो बाद में आ जाएंगे यहाँ पे ना, डिश नहीं मोटा है, चल जाएगा वो, चल जाएगा। मिल गया राजा भाई, मिल गया। हाँ रहा। पत्थर लकड़ी दोनों फेंको, फेंक के मारो, ये टूट जाएगा। फेंको 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 राजू जी के सिर पे। अभी गिर रहा था। लेकिन उसको तो धोखे लाना पड़ेगा रे। चलो उस तरफ से धोखे लाएंगे। हाँ उस तरफ से पास पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे को लकड़ी। तो गाइस अभी फिलहाल क्या हो रहा है, सबको ना एक मैजिक ट्रिक दिखाया जा रहा है। हम लोग खाना वाना बनाना छोड़ के बैठ गए मैजिक ट्रिक दिखाने। मेरा 2 मैजिक ट्रिक फ्लॉप हो चुका है, ठीक है ना? भयानक हंसे मेरे ऊपर। अभी बोल रहा हूँ ये जो मैजिक ट्रिक है इसको एक्सपोज करो, ठीक है? ये तो टट्टी है। ट्रिक ये है कि मेरा ट्रिक ये नहीं है, मैजिक ये है कि ये जो कार्ड रखा हुआ है इनमें से सब मिलके कोई भी एक कार्ड चूज करेगा। टिंकू जब चूज करेगा टिंकू उधर रहेगा, ठीक है ना? टिंकू आएगा, आके बताएगा कि ये लोग कौन सा कार्ड चूज किया है, ठीक है? बस इतना ही मैजिक ट्रिक है। मैं उससे ना बात करूंगा ना बताऊंगा ना कुछ, ये लोग सब कुछ मॉनिटर करेंगे कि मैं आंखों से इशारा नहीं करूंगा, मैं उस तरफ देखूंगा, टिंकू की तरफ देखूंगा ही नहीं। इस तरफ देखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही बैठे रहना, मैं आपके पीछे से आके बोलूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, वो सही है। मेरे पीछे से मेरे पीछे आके बोलना,
ठीक है ठीक है तो फिर मेरा आग नहीं दिखेगा अभी तुम्हारे पीछे से उनके पीछे से वो भी तो सही है। ले आप एक काम करना भैया, आप पीछे देखना। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, मैं पीछे देखूँ, तुम जो बोलो मैं वहीं पे मतलब वो करूंगा। ठीक है ठीक है, तो चलो ये पीछे से आकर बता दे, मेरे को पता भी नहीं चलेगा ये आ रहा है, मेरा सब कुछ सामने रहेगा। हाथ लग रहा है, इधर मैं पॉइंट करूंगा, मैं दिखाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो गाइस चलो देखते हैं। तो एक्चुअली ये रहा, ठीक है गाइस, आप लोग भी देख लो गाइस, ये ठीक है ऊपर से देख। तो ठीक है, आ जाओ आ जाओ भैया, हाँ आ जाओ। उल्टा है या सुल्टा, मैं जैसे भी आना था मैं उसकी तरफ बिल्कुल देख भी नहीं रहा हूँ। ठीक है गाइस, बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। कौन सा बीच का घूम जाता हूँ, अब तुम में से कोई दिखाओ, एक दिखाओ, कौन कोई सा भी। ठीक है तो हो चुका है, आ जाओ बीच का देख रहे हो, इसका स्पीड देख रहे हो, झट से हमारा कनेक्शन उतना अच्छा है, टेलीपैथ इसे बता दे सकते हैं भाई। नहीं, इसको भी एक्सपोज करो भैया कि कैसे पता चल रहा है। नहीं, 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 ये सिर्फ हमारा ट्रिप द वर्ल्ड के लिए, सिर्फ एक्सक्लूसिव ट्रिप द वर्ल्ड, इसमें सर्च करना मिल जाएगा। तो गाइस एक काम करना, आप सुपर थैंक्स कर देना तो ये बता देंगे। ठीक है देखो, ये पूरा कार्ड एक्सचेंज कर रहे, कर लो कोई टेंशन नहीं, जो भी करना है कर लो। इसके पीठ पे एक काम करो, तुम दूर जाके खड़े रहो, ठीक है, वो एक्सचेंज करेगा सारा काम। हटो, करो जो करना है, करो जो भी करना है कर लो। गिरे मत, फिर से बीच का इस बार गलत हो गया, नहीं साइड का हेड है। बोलो आप, नहीं मुझे ये जो दो कार्ड है ना, ये दोनों कार्ड चेंज करो, तो उसके सामने चेंज करने से क्या फायदा हो रहा है। ये वाला ठीक है, नहीं 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 फिर से दिखा ये वाला ठीक है चलो आ जाओ भैया, फिर से आ जाओ। ये वाला कौन सा वाला, हाथ से दिखाओ। ये गाइस आप लोग प्लीज कमेंट करो, देख रहे हो ना, तो ट्रिक क्या है मुझे कमेंट करके बताओ, तो कैसा लगा, जो भी बता देगा मुझे तो उसके साथ मैं एक ब्लॉक करूंगा। कैसा लगा, अच्छा लगा, बचाओ रे कोई मुझे। देखो थोड़ी देर पहले ना सबको भयानक भूख लग रहा था, अभी भूख गायब सा आ रहा है ना, किसी को डर लग रहा था, किसी को भूख लग रहा था। अरे उसको तो मैं एक्सपोज करके रहूंगा, कैसे वो ट्रिक तो पता चल जाएगा यार, कैसे। अरे पिछली बार मैंने घर में जाके सर्च नहीं किया, अब सर्च करूंगा घर में जाके। हाँ ये सर्च करना, झूठ मत करना, ठीक है। क्या हो गया, चूहे पकड़ रही हूँ तुमको। ए भाई तू अब क्या पकड़ रहा है, हो गया रेडी हमारा क्या आज का तवा, तवा चूल्हा 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 नहीं चूल्हा तो है तो ये। अरे क्या बोलते इसको आज का ग्रिल, स्टोन ग्रिल रेडी है। हाँ अब सही है, स्टोन ग्रिल रेडी हो चुका है। यहाँ पे पहले क्या करते हैं, थोड़ा कोयला बन जाए बढ़िया से आग जल के, उसके बाद यहाँ पे आग लगा के हम लोग इसके ऊपर हमारा जो चिकन मैरिनेट किया है उसको रोस्ट करेंगे, और इसके ऊपर बनने वाला है हमारा नान, देसी नान ट्रिप दो नान। हाँ और एक चीज भूल गया भाई, कौन है, क्या हुआ टमाटर काट मार का है रे तो, टमाटर काट रहे हो, वो तो काट लूंगा एक सेकंड, काट टमाटर, काट रहा है कि नहीं बोल, काट रहा है कि नहीं बोल, नहीं नहीं मैं डर गया, मैं डर गया, हाँ मैं तो डर गई, हमको पता चल गया। चार पांच टमाटर काट ले, ठीक है आया तो अब नहीं। क्या हुआ, ये बना लिए हम लोग अपना इसको ब्रश तेल लगाने के लिए, बस कॉम्बाइंड है भाई। तो गाइस यहाँ का माहौल देख रहे हो ना आप लोग,
बड़ा जबरदस्त माहौल बना है। यहाँ पे खाना बनेगा, सब बैठे चार और सबको भयानक भूख लगा है और पत्थर भी गर्म हो चुका है। बैठे ही उसके लिए कि भूख बहुत ज्यादा लगी है। पत्थर भी गर्म हो चुका है, ये सबसे पहले इस पे थोड़ा तेल लगा देना। खाना बनता देखोगे तो ज्यादा भूख लगेगा। डुबो ठीक से बस थोड़ा सा, नहीं नहीं थोड़ा सा सीधा जाके उसमें पोछा मारो। खुशबू अभी से आ गया नहीं पूरा, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये तो रेडी है पूरा। हां दो दे दो, दो दे दो। हाय हाय हाय, इसमें देते ही खुशबू आ गया पूरा, निखार के निकल गया। बस ये हो गया, भूख तो बढ़ गया है ना। अभी निकल देता हूं मैं, जल्दी जल्दी निकल के निकल। ये देख के वो हॉरर कैंपिंग वाला वो ग्रिल चिकन का याद आ गया। डायरेक्ट पका के उधर ही खा लिया हम। बहुत टाइम चल रहा है। गाइस ये रहा हमारा जो नान का डो, पता नहीं क्या बना है, लग तो रहा है थोड़ा बहुत फूला है लेकिन ऊपर सूख गया है क्योंकि जब भयानक तेज हवा आया था उस टाइम इसका ढक्कन उड़ के चला गया था, उस टाइम सूख गया थोड़ा। ये कहाँ गया चिकन, तो हो गया लग रहा है देख के, निकाल ले, हो गया ना। नान के लिए मैं क्या करता हूँ, जो तवा गरम कर लेता हूँ बहुत तेज। चलो ये मेरा डो भी तैयार हो गया। इसको थोड़ा ऑयल लगा देते नीचे, नीचे लगा हुआ है। नहीं नहीं और थोड़ा लगा देते। कोई नहीं लगा, तुम मैं डाल देती हूँ। हाँ हाँ गाँव थोड़ा मेंटेन कर दो, भरका सही है, ठीक है आ गया। ये देखिए गाइस बढ़िया पूरा नान जैसे लचीला हुआ है, खूब सो नान बन जाए। अभी इस लोग पर मुझे भरोसा नहीं है कि कैसे बनेगा क्या नहीं, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। नहीं जो भी बने हमें ही तो खाना है, लेकिन ये बहुत अब सही है। नहीं जो गरम तवा है उसके ऊपर ऐसे ही रख देना है। गलती हो गया, ये गिर जाएगा तेल की वजह से। लेकिन फिर वो लोग कैसे करते वो चीज़, तो गिर ही जाएगा, गिर जाएगा ना पलटाने से। जो भी हो देखते गिरे या ना गिरे, लेकिन गिर गया, गिर गया, गिर गया। शहीद शहीद हो गया वो। प्लान में थोड़ा चेंजेस ऐसा नहीं हो रहा, ये मिट्टी का होने से होता है, मिट्टी का नहीं बोल के अभी ग्रिल लगा दिया हूँ उसके ऊपर ही। तुम क्या कर रहे हो, तुम करो सीधा तंदूरी बनेगा, तंदूरी रोटी सीधा तंदूरी रोटी बनेगा, तंदूरी ना डाल देगा। नान खाने के लिए टमाटर ये किया, कट किया गया। पूरा एक्चुअल तंदूरी रोटी। ओए होए इस साइड और थोड़ा रोस्ट होगा, देखो इस साइड तो हमारा तंदूरी रोटी बन तो रहा है और चिकन भी बन रहा है, और ये चीज ना गर्मा गर्म खाने से ही बढ़िया लगेगा, है ना। तो सोच रहे इधर बन रहा है, इधर हम लोग हल्दी रंग खा रहे हैं, वही करते हैं क्योंकि भूख भी बहुत है। हां वो सबसे बेहतर है, भी बहुत हो चुका है गाइस। ये आया गाइस और एक गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, मतलब बहुत रेडी हो खाने के लिए। हाँ चलो ये जो जो भी हो नान है इसके साथ ये हमारा चिकन तंदूरी चिकन बड़ा सा एक पीस
और टमाटर कहाँ है? टमाटर नीचे है। और ये लाल लाल टमाटर, अरे हाँ ये बाइट जो लगेगा खाने में। अरे तुम लोग रुके क्यों? अरे खाओ, देख के जी भरा, देख के जी भरा अपना। हाँ देखो ऐसा ही मेरा, ये तो नान का तो टेस्ट आ रहा है ना दही की वजह से, गर्मा गर्म का तभी मजा आएगा पूरा। सही भाई हम दोनों भी है भाई, तुम दोनों तो खाए पहले से। इनका तो पता नहीं, फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि भूख भी लगी थी, बहुत ही बढ़िया। लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत कम पड़ जाएगा। कम तो पड़ जाएगा। तुषार काम कर, तू कैमरा बंद कर, वहाँ पे जो नहीं रहेगा बोल रहे नाइट लैंप लगा ले। बहुत कुछ बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, अभी खाने में बिजी हूँ। हम भी कुछ नहीं बोलेंगे गाइस, खाने के बाद हर कोई बिजी हो जाए, क्योंकि तब से मैं ही बना रहा था चिकन ना। हाँ चिकन, तब से शिवम ने चिकन बनाया पहले, ये एक बार बनाया और उसके बाद ये तीन बार, इसको लेके तीन बार। तो चलो गाइस, हम लोग ना ही ऐसे ही मजे करके, मस्ती करके, बातें बातें करके खाना खाते हैं, अपना डिनर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको रात को मिलते हैं, शायद रात को मछली पकड़ने भी जा सकते हैं, तो इसलिए बने रहिए। चलेंगे चलेंगे, बस आ गया जोश, ठीक है। तो गाइस अभी खाना पीना सबका हो गया, बिस्तर क्या लग रहा है, ठीक है भाई, जिसको सुना है सो सकता है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन हम लोग तो जा रहे हैं अभी मछली पकड़ने। मैं, टिंकू, तुषार, भोला और लाला, ठीक है, हम पांच जन जा रहे हैं मछली पकड़ने। यहाँ पे रहने वाले हैं सुनू और विकास। सुनू रहेगा या जाएगा मुझे पता है, जो लोग ज्यादा लोग जहाँ पे होंगे मैं वहीं पे चल जाऊंगा। हाँ तो विकास अकेले ही पे रहेगा, अच्छा है। क्या हो गया? पड़ गई। ए तुषार, पूरा पानी के अंदर डूबो रहे हैं। कहाँ बच के जाएगा तू? आया हूँ तेरे को पकड़ने, लेके ही जाओ। मिला।